ऑपरेशन हाईवे के तहत 133वीं कार्रवाई। होटल में टैंकर की सील तोड़कर चुराया जा रहा था लाखों रुपए का केमिकल। गिरोह का सरगना फरार, 5 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान और मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। जयपुर में बुधवार को अजमेर हाईवे पर टैंकरों से डीजल व केमिकल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये कार्रवाई जयपुर ग्रामीण जिले के दूदू इलाके में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने की, जिसमें गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर मौके से 58 बड़े ड्रम व 6 छोटे ड्रम केमिकल से भरे हुए जब्त किए। मौके पर खड़ी एक पिकअप सहित केमिकल से भरे हुए टैंकर को भी जब्त किया गया, जिसकी बाजारी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। चोरी का ये खेल एक होटल परिसर में चोरी छिपे चल रहा था। हाईवे पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जयपुर ग्रामीण पुलिस की ऑपरेशन हाईवे की 133वीं बड़ी कार्रवाई है। जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि केमिकल से भरा टैंकर गुजरात से उत्तराखंड जा रहा था। जयपुर में अजमेर हाईवे पर पहुंचने पर केमिकल चुराने वाले गैंग के सदस्यों ने ड्राइवर की मिलीभगत से दूदू स्थित होटल गढ़वाला प्लाजा में रुकवाया। वहां पीछे की तरफ टैंकर को खड़ा कर उसकी सील खोली गई। इसके बाद टैंकर में भरा केमिकल ड्रामों में भरना शुरू कर दिया। डीएसटी की सूचना पर होटल गढ़वाला प्लाजा में दबिश देकर पकड़ी गई गैंग। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डीएसटी प्रभारी सब इंस्पेक्टर हेमराज मीणा और दूदू थाना प्रभारी पूरणमल यादव की अगुवाई में टीम ने होटल में दबिश दी। तब वहां केमिकल खाली कर रहे गैंग के 5 सदस्यों को धर दबोचा। इनमें टैंकर ड्राइवर भी शामिल था, जबकि मुख्य सरगना भंवर सिंह भनक लगने पर फरार हो गया। उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है, साथ ही होटल मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर।